बहुत ही सुस्त है, वैसे ये जनरली होता नहीं है। आप चाहते हैं कि हम इन्हें समझें। आंख नाक सबसे पानी आ रहा है और कान से धुएं निकल रहे हैं, हालत खराब हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है थर्सडे, आज बच्चों का स्टडी लीव है और ये देखो माइलू गुड मॉर्निंग। ओके बस बस। तो गाइज आज है थर्सडे, आज बच्चों का स्टडी लीव है तो थोड़ा सा मैं लेट जा रही हूँ। और हम टीचर्स को बहुत सारा काम है, जैसे कि पेपर अरेंजमेंट्स एंड देन सिटिंग प्लान, सिर्फ सिटिंग प्लान बनाना है, उसके बाद अरेंजमेंट्स करने हैं और बहुत सारे काम हैं। बच्चे आएंगे नहीं बट स्टिल हमारे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ों को पहले से वेल इन एडवांस करके रखना है। तो बस अब मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ। एंड मेक श्योर आधा अधूरा वीडियो ना देखिए, आप पूरा देखिए। ओके सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल ब्लॉक। ये है माइलू का ट्रीट, अब अपना ट्रीट खाएगा। मैं स्कूल पहुंच चुकी हूँ और स्कूल बहुत ही एम्प्टी एम्प्टी लग रहा है बच्चों के बिना। तो गाइज स्कूल की छुट्टी हो गई और हम लोग अब घर की तरफ निकल रहे हैं। तो गाइज फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ अपने एरिया में, दूध वगैरह लेके। अब बस अंदर स्कूटी को अंदर रखूंगी और फिर घर पहुंचते हैं। बहुत ही ब्राइट डे हो रहा है, सनी डे हो रहा है और ये रहा हमारा दूध। इजी वाली अब स्कूटी को अंदर करें। शेरू क्या खाया? इधर आ, गाड़ी आ रही है। स्कूटी अंदर कर लेते हैं। तो गाइस देखो मुझे कौन मिला, किरण मिली है, उसकी बेटी मिली है। ये हमारी हाउस हेल्प थी पहले। नमस्ते, और कैसी है? तो गाइस ये हमारी हाउस हेल्प थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। बट हम लोगों ने थोड़े दिन ही रखा था, फिर हम लोग मम्मी और मैं ही मिलके हम घर के सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि घर में कोई आता नहीं है। वो लेट हो जाती थी कई बार, फिर बहुत ज़्यादा काम होता था तो जब हम उसको काम करने के लिए देते तो हमें अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मम्मी और मैं हम दोनों ही अपने घर के हाउसमेट हैं। तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो बस वही वो मेरे से बात कर रही थी, अपना एक होता है ना एक पेन वही शेयर कर रही थी। फीवर हो रखा था फिर भी शी वॉज़ वर्किंग एट एवरी वन हाउस जस्ट टू अर्न हर लिविंग। ये तो काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? एंड देयर आर सम पीपल अंडरस्टैंड नहीं करते हाउस की प्रॉब्लम को। एंड देन शी वॉज लिटरली इन टीयर्स, आंखों में आंसू था, बात कर रही थी वैसे। माइलू आ गई। तो गाइज आज हम पहले आ गए, मम्मी घर नहीं आई है और माइलू को शैतानी करना है। माइलू को एक्चुअली बालकनी में जाना है, वो वेट कर रहा है कि मैं उस दरवाज़ा का खोलूँ। चलो 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 आओ, इसको बालकनी में जाना मेरे रूम से। ओके रोटी खा लिया क्या? हाँ। अरे आप भी खाया होगा, तू वैसे कुछ नहीं खा रहे हैं, दो दो जगह उल्टी किया। हाँ क्या हुआ माइलू? तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, मैंने कपड़े चेंज वगैरह कर लिए और पापा बता रहे हैं कि माइलू की तबीयत ख़राब है, ये सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा है, बहुत गुमसुम बैठा हुआ है, वॉमिटिंग कर रहा है। ज़रूर इसने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। क्या खाया? हाँ इधर आओ, सिट सिट। पक्का गाइस इसने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। सिट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मम्मी पास। अरे बैठो बेटा, आ जाओ सेट, आ जाओ इधर। तो गाइज इसने पक्का उल्टा सीधा खा लिया होगा, इस वजह से इसको वॉमिटिंग हुई है। और अभी जब मैं जस्ट मैं घर घुसी हूँ तो ये चपाती लेके घूम रहा था, इसका मतलब इसने अभी चपाती खाया है। क्या वो इधर आओ,
इसका चेक करना पड़ेगा कहीं इसको फीवर तो नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसे करता नहीं है। को वही हो गया? हाँ वही हो गया, दिखाओ। फीवर है, कान तो गर्म नहीं है। अच्छा मम्मी प्यार करते? अच्छा मम्मी प्यार करते, अच्छे करते, फीवर फीवर लग रहा है। तो गाइज ये बहुत ही सुस्त है, वैसे ये जनरली होता नहीं है, आपने भी देखा है, शैतानी करता रहता है, कूदम कादी करता रहता है। थोड़ी देर देखते हैं इसको, अगर ये फिर भी बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है तो हमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो गाइज ये कुछ बोल तो सकते नहीं हैं, बस यही है कि ये चाहते हैं कि हम इन्हें समझें। ये हमें पूरा समझ जाते हैं, बट हम लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। तो गाइज मम्मी घर में भी नहीं है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। मम्मी का ही जस्ट वेट कर रही हूँ, मम्मी आएंगी तो हम लोग मिलके खाना खाएंगे, लंच करेंगे मम्मी के साथ। जब तक मैं अपने बेटों के साथ खेल लेती हूँ, मेरे छोना के साथ। तो गाइस 3 बज चुके हैं और मम्मी अभी तक घर नहीं आई, तो मुझे याद आया कि हाँ, कि मम्मी ने कल बताया था ना कि किसी का रिटायरमेंट पार्टी है, तो शायद मम्मी रिटायरमेंट पार्टी में ही गई होंगी। तो चलो मैं मम्मी के बिना खाती हूँ। तो आज स्कूल में मेरी फ्रेंड ने अपनी बर्थडे की ट्रीट दी थी, उसने काठी रोल मंगाया था तो, और नूडल्स मंगाए थे, नूडल्स मैंने स्कूल में ही खा लिया था, तो मैं ये काठी रोल ले आई थी कि मम्मी के साथ बैठ के खाऊंगी। तो बस अब मैं इसी को खाती हूँ, अकेले खाना पड़ेगा, मम्मी तो है नहीं। तो गाइज शाम हो चुकी है, चाय पीने का टाइम हो चुका है, बस मेरी चाय उबल ही रही है, फिर हम लोग चाय वाय पी के डिनर बनाएंगे। आज भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो मेडिसिन खा के सो गई हैं। माइलू को अब अच्छा लग रहा है, वॉमिटिंग वगैरह कर लिया इसने, अब इसको अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा है। माइलू अच्छा लग रहा है बेटू को। बस अब मैं हेड वॉश करूँगी, पर हेड वॉश करने से पहले मैं देख लेती हूँ आज क्या सब्जी बनाते हैं, क्या सब्जी बनाएंगे, और पापा को दे देती हूँ ताकि पापा काट लें। अब देखते हैं फ्रिज में क्या क्या है। तो ये खोला हमने फ्रिज, सबसे पहले टमाटर निकला है। तो गाइस सब्जी में तो यही है बस, अभी शिमला मिर्च है। तो गाइस बंद गोभी बस पड़ा हुआ है और शिमला मिर्च, जो कि बिल्कुल भी मन नहीं है बनाने का। तो एक काम करती हूँ मैं, फटाफट राजमा को, राजमा बना लेती हूँ सोडा डाल के। तो गाइज इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों तेल डाल दिया है, कूटा हुआ काली मिर्च डाली है, नमक, हम इसमें 2-4 लहसुन कूट के डालेंगे। सो गाइज मैंने अपना राजमा चढ़ा दिया है, और जब तक ये अच्छी तरह से सीटी लगेगा मैं अपना हेड वॉश कर लेती हूँ। गाइज मैंने हेड वॉश कर लिया है और फ्रेशन अप हो गई हूँ, और हमारा कुकर ने भी सीटी दे दी है। तो बस फटाफट मैं थोड़ा सा बालों को वाइप करती हूँ और फिर बर्तन वर्तन धोती हूँ और फटाफट सब्जी चढ़ाती है। मैं पापा को प्याज वगैरह दे देती हूँ, पापा प्याज लहसुन अदरक काट देंगे तो मेरा काम और ईजी हो जाएगा। पापा ये काट दो जब तक, और वहाँ मम्मी सो रही है, उनको फीवर हो रहा है। तो गाइज मैंने फटाफट सारे बर्तन मांजे, फिर उनको खंगारा, और बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि सुबह से लेके शाम तक के बर्तन होते हैं, क्योंकि मम्मी और मैं भी, हम लोग शाम को ही आते हैं, उसके बाद हम इकट्ठे सारे साफ़ करते हैं। धो धा के मैंने उसको अच्छी तरह से रखा, फिर मैंने सिंक भी साफ़ किया। सिंक सब साफ़ करने के बाद मैंने पूरा स्लैब वगैरह अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। तो पापा ने ये सब काट दिया है, इसको मैं चॉपर में चॉप कर दूंगी और फटाफट हम बनाते हैं। मैं जब तक इसको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, बारीक बारीक हो जाएगा। तो गाइज आज मैं राजमा सरसों तेल में बनाऊंगी,
तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है तो मैंने इसमें तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग डाल के इसको अच्छी तरह से भून दिया। उसके बाद मैंने दो कटी हुई हरी मिर्ची डाल दिया और उसके फूटने के बाद मैंने सारा चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन, अदरक अच्छी तरह से डाला, उसके ऊपर नमक डाल के उनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन किया। और यहाँ पे मैं टमाटर को चॉप कर रही हूँ ताकि मेरा टाइम की बचत हो जाए। और जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ मैंने टमाटर डाल के उनको अच्छी तरह से भून के उसमें मसाले डाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, और उसके बाद मैंने राजमा मसाला डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। और भूनने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म पानी से इसको अच्छी तरह से मसाले को पक, तो गाइस हमारा राजमा भी बहुत ही अच्छी तरह से पक गया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से पक गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी कस्तूरी मेथी। हमारा राजमा तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बन गया। हमने थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी इसलिए किया है क्योंकि हम चावल के साथ खाएंगे। तो गाइस फाइनली सारा काम मैंने फाइनली कर ही लिया, बर्तन धो दिया, किचन साफ कर दिया, सब्जी बना दिया और चावल भी बन गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ चावल और राजमा और किचन की हालत। तो ये रहा हमारे चावल, राजमा की सब्जी और ये मैंने पूरा सलाद वगैरह सब कुछ बर्तन बर्तन साफ करके रख दिया और मैंने सिंक वगैरह भी साफ कर दिया। तो मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। देखिए इसमें जलेबी है, छोटू मेरे लिए जलेबी लेकर आया है। बस ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया डन। फाइनली बहुत देर के बाद मैं अब बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। हाँ एक्चुअली मम्मी बीमार है तो मैं कामों में बिजी हो जाती हूँ, माइलू भी सुस्त हो जाता है। तो बस ये चीज़ है, अगर मैंने आपको बोला ना कि जब मम्मी रोती है मम्मी एकदम ठीक ठाक होती है तो घर में एक हलचल सी होती है। बट अब जैसे कि मैं आपको बताया है कि मम्मी को फीवर हो रहा है, मम्मी सो रही है, तो बस डिनर ऑलमोस्ट हो चुका है, मम्मी को मैं उठाऊंगी, प्रेयर करेंगे, फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो बस गाइस आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। एक्चुअली मम्मी को ना आप कितना भी बोलो कि आप रेस्ट कर लो पर मम्मी रेस्ट करना नहीं चाहती हैं। आज भी मम्मी स्कूल चली गई, कल उनको फीवर था बट स्टिल वो स्कूल गई। कम से कम छुट्टी लेती, रेस्ट लेती, रेस्ट करती तो मैं भी थोड़ा ठीक हो जाती। और एक्चुअली आजकल वायरल भी हो रहा है। फिर मम्मी को मैंने बोला था बट मम्मा ने बोला कि नहीं, एक मैम थी ना उनका रिटायरमेंट था तो उनके जाना ज़रूरी है, तभी मम्मी चली गई। तो बस आज का दिन ऐसे ही गुजर गया, घर के कामों में ही निकल गया। गाइज बस अब हम लोग प्रेयर करते हैं, मम्मी को उठाती हूँ, प्रेयर करते हैं और फिर हम लोग डिनर करते हैं। फाइनली बहुत देर के बाद मम्मी उठी हैं, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी। अभी भी फीवर है, अभी जस्ट उठी है, मैंने इनको उठाया खाना वाना खाने के लिए ताकि मेडिसिन लेके आराम कर लें। तबीयत ख़राब रहेगी तो कल स्कूल मत जाना, ठीक है? तो मैं वही बोल रही हूँ कि सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है, अगर फीवर होगा तो सब्जी उब्जी पड़ी हुई है मैं इसी को ले जाऊँगी, फिर फालतू में उठेंगी अपनी तबीयत ख़राब करेंगी। रेस्ट तो बॉडी को बहुत ज़रूरी है, तो बस वही है। तो गाइस अब हम खाना खाते हैं, मेरा खाना रेडी है, राजमा चावल और सुबह की भिंडी की सब्जी, तो मैं ये खाऊँगी। गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।
गाइस मैंने क्या सब्जी बनाई है पूछो मत। आंख नाक सबसे पानी आ रहा है और कान से धुएं निकल रहे हैं। हालत खराब हो गई है, हालत खराब हो चुकी है हमारी। खा ले।